Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. My name is Ashika and I welcome you all to my channel. So guys, this clip is of 29th of January 2024. Okay guys, so aaj main fir se uthi thi subah 4 baje to study for my board exams. Like I am doing the revision of all my syllabus and uske baad main start karungi sample paper solve karna. To wo bhi main ek do din mein start karne hi wali hu once my syllabus is all revised. Ab dekho guys, ek bahut hi bada change kiya hai maine apni strategy ke andar jo ki main aapko aage video mein batane wali hu, to uske liye wait karna taki aap log ko bhi clear ho sake ki main apna jo strategy में है इतनी ज्यादा चेंजेस क्यों कर रही हूं, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट. ओके गाइस, सो इफ आई टेल यू ऑल अबाउट दैट कि आज मैंने सुबह क्या क्या पढ़ा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोक अप एंड देन आई ड्रैंक सम वाटर एंड आई गॉट फ्रेशन अप. उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने. तो सुबह मैं पढ़ना स्टार्ट करी थी विद साइंस केमिस्ट्री वाला जो पार्ट होता है वो. तो केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले वाला चैप्टर को रिवाइज कर रही हूं. नाउ लेट मी टेल यू ऑल माय पैटर्न टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ लाइक साइंस. तो साइंस में सबसे पहले क्या करूंगी, आई विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर फ्रॉम माय नोट्स. नोट्स को करने कंप्लीट करने के बाद आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस प्लस इंडेक्स क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो मैं उसके बाद सबसे पहले ये करूंगी नोट्स रिवाइज करते ही. एंड उसके बाद मेरे पास फाइनल रिवीजन वाली जो एडुकार्ट की बुक है, जो कि आपने देखा ही होगा कई बच्चे जो है यूज कर रहे हैं, सो मेरे पास भी वो वाली बुक है. सो आई विल बी रिवाइजिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक. सो यस गाइस, हियर आई एम रिवाइजिंग ऑल माय नोट्स. लाइक ये सारे में जो हैंड रिटन मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उन सबको रिवाइज करी थी. एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था विद एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस. अब देखो गाइस, स्कूल जाने से पहले ना मैं इतना ही कर पाई थी, लाइक इस नोट्स को रिवाइज कर पाई थी एंड उसके बाद दोनों इंडेक्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर पाई थी. बस ये इतनी ही चीजें की थी एंड मैंने सोचा था कि जो मेरी बुक है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो मैं स्कूल से आके करूंगी, बट आई वाज नॉट एबल टू डू दैट. तो वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी कि व्हाट वाज द रीजन कि मैं जो था नहीं पढ़ पाई थी, लाइक मैं नहीं कंप्लीट कर पाई थी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी. ओके गाइस, तो अभी मेरे नोट्स की रिवीजन हो चुकी है एंड यहां पे मैं स्टार्ट कर रही हूं विद ऑल द इंडेक्स क्वेश्चंस एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो सबसे पहले मैंने सारे इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट किए थे. इंडेक्स इतने ज्यादा नहीं थे इस चैप्टर से, देयर वर ओनली 8 क्वेश्चंस इन टोटल. एंड उसके बाद मैंने सीधा एक्सरसाइज ही स्टार्ट की थी. नाउ सम ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट सम टिप्स फॉर दिस केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में बेसिकली मुझे कुछ इतना पता नहीं है, जैसे मेरा जो जैसे मैं पढ़ती हूँ आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट. तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी रिवीजन कैसे कर रही हूँ. इफ आई टेल यू ऑल अबाउट द इक्वेशंस एंड एवरीथिंग, तो जब भी मैं अपने नोट्स को पढ़ने बैठती हूँ एंड कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन आती है या फिर केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो आते हैं मेरे सामने, तो मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ या फिर एक रफ नोटबुक ले लेती हूँ एंड उस रिएक्शन को पढ़ते पढ़ते मैं दूसरी तरफ जो मेरी नोटबुक है उसके पेज पर उसको नोट डाउन करती रहती हूँ. लाइक अगर आपका हाथ चलता रहेगा, आप थोड़ा सा उसको बार बार लिखते रहोगे ना, तो आपको इक्वेशन जल्दी लर्न हो जाती है. ये मैंने खुद ट्राई किया था प्री बोर्ड्स में, जब मैं सारी इक्वेशंस को लर्न करी थी बेसिकली ना, उसने काफी अच्छा वर्क किया था. लाइक मैं कोई भी ऐसी इक्वेशन पढ़ रही थी एंड देन आई वाज राइटिंग डाउन दैट इक्वेशन इन द नेक्स्ट पेज, जो मेरे पास नेक्स्ट रफ नोटबुक थी तो उस पर मैं लिखे जा रही थी. तो इससे ना मैं वो काफी जल्दी वो लर्न हो गई थी एंड और अच्छे से समझ भी आ गई थी. सो बेसिकली गाइज, एक बार आप भी इस ट्रिक को ट्राई करके देख सकते हो कि इफ इट इज वर्किंग फॉर यू ऑल और नॉट. एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप्स है केमिस्ट्री के लिए कि जैसे कैसे इक्वेशन जल्दी लर्न हो सकती है, या फिर कोई और भी टिप्स लाइक कार्बन एंड इस कंपाउंड से इतना बड़ा चैप्टर है, सो अगर आप कोई भी ऐसी ट्रिक यूज कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप कमेंट डाउन में मेरे को बता सकते हो. आई विल बी रीडिंग योर टिप्स एंड आई विल बी सीइंग कि वो मेरे लिए वर्क करती है या नहीं. सो यस गाइस, हियर आई वाज डूइंग द इंडेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. ओके गाइस, सो हियर आई एम फाइनली डन विद ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. लाइक ये पूरा चैप्टर मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी. मैंने सारी एक्टिविटीज रिवाइज कर ली है एंड सारे इंडेक्स क्वेश्चन भी हो गए हैं एंड इवन मेरी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके भी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं. एंड अब मैं क्या करूंगी, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आई विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस वन चैप्टर. उसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आज मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि मेरी पूरी केमिस्ट्री जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए. लाइक जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, आई एम गोना कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स विद द सेम थिंग. तो मैं एक बार आपको दिखा, देखो यहां से पूरे इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स हैं, लाइक देयर वर टोटल 8 क्वेश्चंस. तो इंडेक्स क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गए एंड यहां से मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज. सो हियर आर ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चंस थे. सो हियर इज द लास्ट वन एंड हियर आई एम डन विद दिस. ओके गाइस, सो राइट नाउ आई विल बी गोइंग एंड आई विल बी गेटिंग रेडी फॉर माय स्कूल एंड फिर स्कूल से आने के बाद हम कंप्लीट करेंगे इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन बैंक एंड बाकी जो बाकी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के तीनों, उसको भी हम सेम तरीके से करेंगे. लाइक पहले नोट्स को रिवाइज करेंगे एंड एक्टिविटीज और एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करेंगे. सो गाइस, नाउ लेट्स गो टू स्कूल. ओके गाइस, देखो मैंने आपको बोल तो दिया था कि मैं आके कंप्लीट करूंगी ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस चैप्टर के मैं करने वाली थी, बट जब मैं स्कूल से वापस आई थी ना, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जोर से सिर दर्द हो रहा था एंड आई वाज इन टेबल टू स्टडी प्रॉपरली. एंड गाइस, लाइक आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल लाइक एट 3:30 एंड आई वाज सो टायर्ड एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे को ज़्यादा सिर दर्द भी होने लग गया था. सो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी. सो सॉरी गाइज फॉर दैट. नाउ आई विल बी शोइंग यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स ऑफ द आफ्टरनून. सो लेट्स गो.
Hey guys, so right now I am back and this is the next day clips and right now I'm going back to study. But before that, I just want to tell you all something important. So देखो guys, मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताई थी एक स्ट्रैटेजी. लाइक बेसिकली मैंने बताई नहीं थी, मैंने आपको ये दिखाया था कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है अपने लिए. एंड इट्स बीन 5 days, उस स्ट्रैटेजी को 5 दिन हो चुके हैं. लाइक कितने ज़्यादा जल्दी चलेगा ये 5 दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला. एंड येस, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा टास्क मैंने मैंशन किए थे. लाइक दिन में मेरे को मैथ्स भी पढ़नी थी, सोशल साइंस भी पढ़नी थी एंड साइंस भी पढ़नी थी. सो आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू ऑल, तो इसलिए मैंने ये वाली जो क्लिप है इसमें डाली है कि मैं आपको बता सकूँ कि वट आई हैव प्लान्ड. एंड मैंने बेसिकली ये प्लान किया है कि आई विल बी चेंजिंग माई स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखो मैंने 5 दिन तक पूरा ट्राई किया उसको फॉलो करने का. बट एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये लास्ट के जो 15-20 दिन बच्चे हैं ना उसमें इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ. एंड सेकेंडली जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है जो कि आ जाता है वो ऊपर से अलग बात हो जाती है. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी. तो जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी. सो बेसिकली मैंने 5 दिन पूरा ट्राई किया बट फाइनली वो वर्क नहीं हो रही थी. आई थॉट कि लेट अस चेंज दैट. तो अब मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या चेंजेस करने वाली हूँ एंड मेरी पिछले वाली स्ट्रैटेजी और इस वाली स्ट्रैटेजी जो मैं न्यू बनाऊंगी उसमें क्या डिफरेंस होगा. अब देखो, पिछली स्ट्रैटेजी में मैंने हर एक दिन तीनों सब्जेक्ट का काम लिखा था. बेसिकली वो काम भी जो लिखा था ना वो काफ़ी ज़्यादा लिखा था. मैथ्स के 2 चैप्टर्स करना, इकोनॉमिक साइंस में कोई केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करना एंड साथ साथ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट करना, इस तरीके के टास्क मैंने हर एक दिन को असाइन किए थे. सो बेसिकली ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड ऊपर से इतनी सारी जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होती है तो नहीं पढ़ पाऊंगी मैं. तो अब मैं इसमें चेंजेस क्या करने वाली हूँ ना, अब मैं दिन में बस 2 टास्क रखूंगी, एक मैथ्स का होगा एक साइंस, या फिर मैथ्स या सोशल साइंस या फिर मैथ्स और साइंस. मैथ्स तो पक्का कंपलसरी रहेगा बट साइंस और सोशल साइंस में आई विल बी स्विचिंग इट. तो एक दिन में बस 2 सब्जेक्ट का टास्क रखने वाली हूँ एंड आई गेस मैं ईजी टास्क रखूंगी ताकि वो टास्क भी कंप्लीट हो सके एंड साथ साथ मैं अच्छे से पढ़ भी लूँ. क्योंकि एक बार आपके टास्क जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो कभी कभी आपका मन भी नहीं करता ज़्यादा टास्क को देख के कि आज मुझे इतने ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने हैं, पता नहीं कैसे होगा. तो ये ध्यान में रख के मैंने सोचा है कि अब मैं 2 ही सब्जेक्ट करूँगी दिन में एंड उसके रिलेटेड ही टास्क रखूँगी. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड. एंड ऑल्सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल अ सेकंड थिंग अबाउट दिस कि देखो, अगर बाई चांस में जो 2 टास्क हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं दिन में एंड मेरे पास अभी एक्स्ट्रा टाइम बचता है, सो आई कैन डू मोर टास्क, आई कैन एड मोर टास्क इन दैट. बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है मेरी बाकी जो 15 दिन है उनमें मैं शुरू से ही ऐसे इतने ज़्यादा टास्क रख लूँ जिससे कि मेरे को स्ट्रेस हो जाए कि भाई इतना ज़्यादा आज मुझे कंप्लीट करना है एंड फिर वो लास्ट में हो ही नहीं पाता है. आई एम बींग ऑनेस्ट कि नहीं हो पाता है, सच में बोल रही हूँ. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कम टास्क रखेंगे एंड जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं और टास्क. बट शुरुआत में मैं ज़्यादा टास्क नहीं रखने वाली हूँ अपने दिन में. सो दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव डिसाइडेड एंड ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझसे नहीं हो पा रहा था तो मैं इसे इस टाइप से आई गेस हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ. वो पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपके साथ कैसा वो हो रहा है, स्ट्रैटेजी आप कैसे फॉलो कर पा रहे हो. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ऑल एंड दिस ऑल इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है मेरे रिलेटेड. सो गाइस, आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं एंड आई विल बी स्टार्टिंग अप विद साइंस. सो लेट्स गो. ओके गाइज, सो राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी चेंजेस की मैं क्या क्या चेंज करने वाली हूँ और मैं वो चेंजेस क्यों कर रही हूँ बेसिकली. सो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने आपको बताया था जो मैं स्टार्ट करने वाली थी कल. बट कल मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी. लाइक मैं मैथ्स जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जब मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया तो वो भी नहीं पढ़ पा रही थी. पता नहीं मेरा स्ट्रेस आउट इतना हो गया था, मेरा बहुत ज़ोर से सिर दर्द हो रहा था एंड आई वाजंट फीलिंग वेल, इसलिए मैंने कल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी एंड कल मैं जल्दी भी सो गई थी. ओके गाइज, देखो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट तो कर दिया था ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करना, बट जैसे मैंने हेडिंग डाली कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ एंड देन आई स्टार्टेड टू रीड आउट द क्वेश्चन, तो सारे के सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से ही थे. सो मैंने इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं किया. लाइक मैं जितने भी देख रही थी या सारे के सारे बुक से ही थे, तो मैं सोचा ये सारे तो मैंने अभी सॉल्व कर लिए हैं, इनको मैं वापस क्या ही सॉल्व करूँगी. तो मैंने एक बार सारे गो थ्रू कर लिए थे कि हाँ हाँ सारे क्वेश्चन वही हैं या नहीं एंड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वॉज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. तो गाइस, सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार गो थ्रू करने के बाद एंड जब मैंने सोचा कि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं, तो मैंने स्टार्ट किया विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो जैसा कि मेरे पैटर्न में था, सबसे पहले मुझे नोट्स रिवाइज करने थे. सो हियर आई गेट स्टार्टेड विद द नोट्स रिवाइजिंग. अब देखो गाइस, आप में से काफी लोग मुझे पूछे थे कि आप सैंपल पेपर्स कब करोगे एंड यही टाइम है आपको सैंपल पेपर्स स्टार्ट कर देने चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो देखो गाइस, अब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है एंड मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चलूंगी. तो जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग किया है कि सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर्स रिवाइज करूंगी एंड फिर सैंपल पेपर सॉल्व करूंगी. अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपको चैप्टर रिवाइज नहीं करने, चैप्टर रिवाइज भी करना जरूरी है, सैंपल पेपर्स करना भी जरूरी है. तो एक बार
सैंपल पेपर से पहले एक बार हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लूँगी तो सैंपल पेपर्स मेरे लिए और ईजी हो जाएंगे। अगर मैं सीधा ही सैंपल पेपर स्टार्ट कर दूँगी तो अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे बार बार बीच बीच में नोट्स पर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो सारे चैप्टर्स को गो थ्रू कर लो एंड उसके बाद सीधे सैंपल पेपर्स या फिर PYQs जो भी आपको करना है वो करो। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे यू हैव टू सॉल्व योर सैंपल पेपर्स। एंड गाइस लाइक सम ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट इंग्लिश प्रिपरेशन कि हमें बोर्ड्स के लिए इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली ये तो मैं कुछ लास्ट दिनों में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। एंड जो प्रशांत भैया के PDF के नोट्स हैं जो कि उन्होंने अभी रिसेंट इंग्लिश प्रिपरेशन वाली वीडियो में डाले थे, आई एम गोना यूज दैट क्योंकि उसमें उन्होंने करेक्ट स्केचेस दिए हुए हैं, समरीज दी हुई है एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। सो आई गेस अगर मैं एनिमेशन वीडियोज देखती हूँ हर एक चैप्टर की प्लस उस PDF को पढ़ती हूँ तो आई गेस मेरी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इंग्लिश की। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ग्रामर पोर्शन तो ग्रामर पोर्शन मेरे पास जो इंग्लिश की सैम्पल पेपर वाली बुक है उसके अंदर ग्रामर पोर्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है। लाइक उसमें बताया हुआ है कि आपको लेटर की बिगिनिंग कैसे करनी है, अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसकी बिगिनिंग कैसे करनी है। सो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं वहाँ से कवर अप कर लूँगी। सो ये मेरा पूरा का पूरा प्लान रहेगा कि हाउ आई एम गोना स्टडी इंग्लिश फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स। ओके गाइज यहाँ पे मेरे नोट्स की पूरी रिविजन हो चुकी है और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एंड ऑल्सो गाइज लाइक मेरी जो PTM है वो 10th February को होने वाली थी बट नाउ इट्स प्री पॉन्ड टू 3rd February तो मेरी PTM थोड़ी सी जल्दी होने वाली है। सो आई गेस आई विल बी पोस्टिंग अ सेपरेट रिजल्ट वीडियो लाइक मेरे प्रीबोर्ड 2 का रिजल्ट कैसा गया एंड प्रीबोर्ड 1 और प्रीबोर्ड 2 के कंपैरिजन में कौन सा एग्जाम्स मेरे ज़्यादा अच्छे थे एंड व्हाट वाज माय प्रिपरेशन एंड ऑल। Also guys do comment down ki if you all want to watch my prebo 2 result video or not and if I should post it. And guys like mujhe kafi zyada dar lag raha hai for my board exams, I don't know but I'm literally tense about that. बेसिकली गाइज मेरे पेरेंट्स ने कोई ऐसा प्रेशर नहीं किया है कि मेरे को 95% से अबव ही लेके आने हैं, वो तो मेरा खुद का मन होता है कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊँ बिकॉज अब देखो रिलेटिव्स वाला सबसे पहला जो होता है मेजर रीज़न हो जाता है बिकॉज एज यू ऑल नो कि दे फाइंड एक्सक्यूज टू टेल यू ऑल दैट कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ यूट्यूब चैनल सो दे कैन टेल मी लाइक 10th के बोर्ड में यूट्यूब चैनल खोला था इसकी वजह से मार्क्स कम हो गए हैं। सो ऑल लाइक दिस ये वाली टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है मेरे माइंड में एंड ऊपर से बोर्ड्स की बहुत ज़्यादा टेंशन है। सो गाइज ये जो मैंने अभी आपको क्लिप्स दिखाई हैं ये सारी मेरी बोर्ड एग्जाम की शॉपिंग कि मैंने क्या क्या खरीदा है। ओके गाइज सो नाउ आई एम डन विद दिस चैप्टर एसेट बेसिस एंड सॉल्व्स। तो मैंने इसके इंडेक्स क्वेश्चंस एंड NCERT क्वेश्चंस सारे कंप्लीट कर लिए हैं एंड नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये दोनों चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे शाम को एंड एक मैथ्स का चैप्टर भी हमें आज कंप्लीट करना है। तो आज हमारी केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग अप विद फिजिक्स एंड कल फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे अगर हो जाती है तो एंड कल एक मैथ्स का चैप्टर भी करेंगे। Okay guys, so before getting into the next two chapters of chemistry, I will be showing you all that what all I have bought for my board exams yesterday. तो कल मैं वॉकिंग करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि हमें कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जैसे कि ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें चलती हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट पाउचेस होते हैं एंड ट्रांसपेरेंट बोर्ड होता है। तो हमें सारी चीज़ें खरीदनी है तो मैंने सोचा कि कल मैं वॉकिंग पर जा ही रही हूँ सो एक बार मैं सारी चीज़ें खरीद के भी ले आती हूँ। वैसे इतनी सारी नहीं है, मेरे को बस दो ही खरीदनी थी, एक तो पाउच था एक तो बोर्ड था, तो मैंने सोचा कल ही खरीद लेते हैं वरना मेरे को लास्ट मिनट पर जाना पड़ेगा। सो लेट मी शो यू ऑल कि बेसिकली मैंने क्या क्या खरीदा है। तो मैं दो ही चीज़ें खरीदी हैं, उसमें से सबसे फर्स्ट आती है मेरे पास पाउच। तो मेरे पास ट्रांसपेरेंट पाउच नहीं था, मेरे पास बड़ा वाला था सो मैंने ये वाला पाउच एक खरीदा है एंड सेकंड मेरे पास बोर्ड नहीं था तो यहाँ पे मैंने ये ट्रांसपेरेंट वाला बोर्ड खरीदा। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, लाइक इसमें से ना ऐसे आर पार दिख रहा है बिल्कुल ही, मेरे को लगा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया जो थोड़ा सा दिखता है ना स्किन स्किन सा, बट ये पूरा ही क्लीन है, मेरे को नहीं पता था ऐसा पूरा क्लीन आता है बट येस। ओके गाइज नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वाटर बॉटल्स, तो वाटर बॉटल मेरे पास पहले से ही थी, मेरे पास दो कलर की वाटर बॉटल हैं जो कि दोनों ही ट्रांसपेरेंट है सो दे विल वर्क आउट फॉर आर बोर्ड एग्जाम्स। लाइक पूरे आपको ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, अगर आपके पास कलर्ड वाटर बॉटल भी होती है बट वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती है वो चल जाती है। सो आई हैव टू ऑफ देम तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन सा वाला कलर वाली बॉटल लेके जाऊँ बिकॉज आई लव द बोथ ऑफ द कलर्स। लाइक एक मेरे पास पर्पल है एक मेरे पास पिंक है, लेट मी शो यू ऑल। सो देखो ये वाली है मेरे पास पर्पल एंड ये वाली है मेरे पास पिंक, तो मेरे पास ये दो वाटर बॉटल हैं जो कि मैं लेके जा सकती हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं कौन सा कलर चुनूँ क्योंकि मेरे को दोनों ही बहुत पसंद है। सो आप लोग बताना कि आप लोगों को इन दोनों वाटर बॉटल में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो फिर आप लोग जो बोलोगे मैं वही वाला कलर वाला वाटर बॉटल लेके जाऊंगी ना बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी थी, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं खरीदा, मैंने मेरे को बस दो चीज़ों की नीड थी, एक पाउच था एक बोर्ड था, मैंने वही दोनों खरीदे हैं एंड वाटर बॉटल मेरे पास पहले से पड़ी थी सो यस वो आ जाएंगी काम बोर्ड एग्जाम्स में। तो गाइज दिस मस्ट फॉर टुडेज वीडियो क्योंकि अब मैं आगे पढ़ने वाली हूँ केमिस्ट्री एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल दैट इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। सो गाइज दिस मस्ट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।